जो अल्कोहल फिनॉल का चैप्टर कर रहे हैं, अगर हम लोग उसका जो पार्ट फाइव है ये स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने उसके जो नॉमिनेशन था और जो प्रिपरेशन था लास्ट लेक्चर में देखा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो फिजिकल नेचर है इसका, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो भी पार्टिकल जो भी फॉर्म्स होंगे वो क्या होंगे, आपके सॉलिड में बनेंगे। सोलिबिलिटी, सबसे पहले अगर आप वाटर में बात करें सो इट इज पैरली सोल्यूबल, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बात करें सो इट इज हाईली सोल्यूबल, ये आपको याद रखना। और जो ऑर्डर है दैट विल कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर, इसके अंदर से फिनोलिक ऑर्डर आता है। नेक्स्ट, अभी जो आप लोगों ने फिनोल को प्रिपेयर करके रखा है इसके हम लोग कुछ रिएक्शंस देखते हैं। सो हम लोग बी आर ब्रोमिन की रिएक्शन देखेंगे, पहले इन वाटर यानी ब्रोमिन वाटर, इसको ब्रोमिनेशन है। दूसरा इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि CH2 एग्जांपल। तो अब देखो फिनॉल है, इसका मैंने ब्रोमिनेशन किया, अब मुझे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन डेरिवेटिव यहां पे इसका मिलता है फिनॉल का। तो जब मैं 3 times ब्रोमीन यहाँ पे प्लेस करूंगा तो Br तो 3 बार प्लेस हो गया। अब रिस्पेक्टिवली उस पोजीशंस पे जो हाइड्रोजन थे वो भी Br के साथ में रिमूव होंगे, सो 3 times HBr रिमूव होता है। और ये जो कंपाउंड है ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रोमीन अगर आप एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली 2 बेंजीन रिंग के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिनॉल जो था उसमें Br2 को आप ऐड करेंगे। अब इसके 2 सब्स्टिट्यूशन होंगे, एक तो आपके ऑर्थो कोएशन पे, दूसरा आपके पैरा कोएशन पे। अभी आपको यह पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पे है जब आप इसको रेजोनेंस में सॉल्व करते हैं तो ऑर्थो और पैरा डिरेक्टिंग हो जाता है, तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या आएंगे, ऑर्थो और पैरा पे आएंगे। जो भी आपके ऑर्थो के प्रोडक्ट्स आते हैं हम उसको माइनर प्रोडक्ट लिखते हैं, दैट विल बी अराउंड 20%, और जो आपके पैरा के प्रोडक्ट्स आते हैं दैट विल बी 80%, दैट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे सब्सिक्वेंटली आप जब हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस कर रहे थे सो 2 times HBr का जो बाय प्रोडक्ट है ये भी आपको उसके अंदर मिलता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ है, लेकिन रिएक्शन 2 बार होगी। एक 298 केल्विन पे हम लोग रिएक्शन बताएंगे और एक 373, दोनों में भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये आपको याद है। अब फिनॉल की रिएक्शन है, H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन होगी तब हम क्या करते हैं, इस H2SO4 को ब्रेक करते हैं। तो HO-SO3H इस हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब आप इसको इस हिसाब से ब्रेक करते तो होगा क्या, यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है, और SO3H को आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, SO3H को आप अटैच कर देंगे। इसका नाम 2-hydroxybenzylsulfonic acid, यानी ये 1 और ये 2 आप कंसिडर करेंगे। सो 2 पे हाइड्रोक्सी का ग्रुप है, बेंजिन सल्फोनिक एसिड, ये उसका नाम है। और वही रिएक्शन जब 373 केल्विन पे होगी तो वापस क्या होगा, HO-SO3H में आप इसको ब्रेक करेंगे, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पे से करना पड़ेगा। तो ये H और ये OH वापस क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और SO3H वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। तो अब सेम नाम की जगह पे 2 की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ही कुछ ऐसे आ जाएगी। सो दिस विल बी 4-hydroxybenzylsulfonic acid, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब एक बार डायल्यूट HNO3 और एक बार कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ऐसे 2 रिएक्शन है। जब आप डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों ने फिनॉल लिया है और नाइट्रिक एसिड लिया है, नाइट्रिक एसिड को हम लोग वापस ब्रेक करेंगे HO-NO2 में। अब फिनॉल जो है दैट इज जस्ट मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो OH के साथ में रिप्लेस हो जाएगा और NO2 ग्रुप हम लोग ऑर्थो और पैरा पे रिस्पेक्टिवली अटैच करेंगे। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो 1-2 पोजीशन पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाता है और 1-4 पे माइनर। इसके पीछे का रीजन है ये जो H है और ये नाइट्रो को कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो नाइट्रो को जब आप ब्रेक करते हैं तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड वो वहाँ पे फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप क्या पॉसिबिलिटी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो OH के साथ में जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आने की वजह से दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ माइनर प्रोडक्ट और वाटर मॉलिक्यूल क्या है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ये डायल्यूट के साथ था, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में जो फिनॉल है 3 times आप उसकी रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एरो पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोला है सो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इस बात को यहाँ पे याद रखना है। तो होगा क्या, वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। वापस आप इसको कैसे लिखेंगे, H-NO2 के फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। अब ये एक ही रिंग पे 3 times सब्स्टिट्यूशन करता है कुछ इस हिसाब से, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन, 3 hydrogen 3 OH के साथ में 3 times H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और सब्स्टिट्यूशन पे आपको क्या करना है, NO2 को आपको अटैच करना है।
इस टाइप का स्ट्रक्चर OH, और तीन जगह पे जब वो आप NO2 अटैच करते हैं, इसको कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड होता है। तो ये पिक्रिक एसिड यहाँ पे फॉर्म किया है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इसको एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, हाउ विल यू फॉर्म पिक्रिक एसिड, या फिर व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑन फिनॉल, तो आपको ये बताते आना चाहिए। सो पिक्रिक एसिड के साथ में थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग अभी दो नेम रिएक्शन देखने वाले, काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, और ये एक तो डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा व्हाट इज कोलबेज रिएक्शन, या फिर रेमटिमा रिएक्शन, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है इनके भी कॉमन नेम आपको देंगे। ये सैलिसिलिक एसिड बनता है कोलबेज रिएक्शन में, रेमटिमा में सैलिसिलाल्डिहाइड बनता है, इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लिया क्या करना है। दोनों भी फिनॉल से फॉर्म करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमारे पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं NaOH के साथ में। अब यहाँ पे NaOH में जो OH है इसका काम क्या है, इसका एसिड जो है वो उसको रिमूव करेगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया -H2O, क्योंकि ये जो OH है वो अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था फिनॉल का नाम कार्बोलिक एसिड भी है, तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना OH का काम है, तो OH हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और Na अटैच हो जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बन जाता है। फिनॉक्साइड बनने के बाद में यहाँ पे एक्चुअल में एक मैकेनिज्म है, वो फिलहाल तो नहीं है, डायरेक्टली लिख रहे हैं हम लोग, तो मैं सिर्फ आपको मतलब यहाँ पे रिएक्शन बता रहा हूँ। तो फिनॉक्साइड में बेसिकली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सैचुरेशन रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो उसके बाद में ये COOH यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे COOH का ग्रुप आता है, और ये H+ क्यों है, वापस सोडियम को अटैक है हाइड्रोजन वापस जाए, तो ONa को हटा के वापस OH करना है, और ये CO2 के एडिशन की वजह से COOH का ग्रुप ऐड होता है ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होने के बाद में इसका जो नाम आएगा विल बी 2-hydroxybenzoic एसिड, कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड, लेकिन ये कब बनेगा, एट लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे हमें ऑर्थो पोजीशन की बात करो, यानी जो सब्सटिट्यूएंट्स ऑर्थो पे आए ये कब लो पोजीशन पे बनेगा, अगर हाई टेम्परेचर है तो ये COOH आपको पैरा पोजीशन पे मिलेगा, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो हमारी सेकंड रिएक्शन है दैट इज रेमटिमा रिएक्शन, वापस स्टार्टिंग हम लोग इसके फिनॉल के साथ में करेंगे, तो फिनॉल है आपके पास, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 प्लस NaOH के साथ में आप उसकी रिएक्शन कर रहे हैं, वापस यहाँ पे क्या होगा, ये OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, Na को आप अटैच कर देंगे तो फिनॉक्साइड वहाँ पे बन जाएगा वापस, और ये CHCl3 जो है ये हम लोग ऑर्थो पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये एक इंटरमीडिएट हम लोग यहाँ पे फॉर्म करेंगे। अगेन आप NaOH के साथ में रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में बेसिकली होता क्या है, ये Cl और ये Na जो है यहाँ से रिमूव करते हैं, और ये O यहाँ पे CH में अटैच होता है, वो मैकेनिज्म में समझेगा, अभी मैं डायरेक्ट रिएक्शन दे रहा हूँ, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, CHO आता है। आगे हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन क्यों करनी है, मुझे ये H को रिप्लेस करना है इस Na की जगह पे, तो मैं Na और Cl को ऐसे रिप्लेस कर दूंगा और H को ऊपर लिखूंगा, तो OH और CHO, अभी ये OH तो दोनों में फाइनल था, यहाँ पे COOH यानी कि ऑइक एसिड का ग्रुप है, इसीलिए आगे हम लोगों ने क्या लिखा है, एसिड लिखा है, COOH जो है ये आपका एल्डिहाइड का ग्रुप है, इसलिए हम लोगों ने आगे एल्डिहाइड लिखा है। अभी इस चैप्टर में जो फिनॉल का पार्ट था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हमारा जो ईथर्स का पार्ट है वो रह गया, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक आपको कहीं भी कुछ भी डाउट्स है इसको नीचे आप कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।